एसीबी की टीम ने जयपुर में कार्रवाई करते हुए विद्युत निरीक्षणालय नंदीपुरी सोडाला के सहायक प्रशासनिक अधिकारी तरुण गुर्जर को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उसने ये राशि फर्म के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ली थी। एसीबी के एसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि परिवादी ने उसकी फर्म के लाइसेंस अवधि पूर्ण होने पर नवीनीकरण के लिए विद्युत निरीक्षणालय जयपुर में जुलाई 2021 में आवेदन किया था। उसके लिए वह सहायक प्रशासनिक अधिकारी करण गुर्जर से मिला तो उसने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 48,000 मांगे, जबकि लाइसेंस अवधि बढ़ाने की फीस 4,500 रुपए थी। सहायक प्रशासनिक अधिकारी तरुण गुर्जर ने परिवादी से 10,000 ले लिए और इस पर उसने 1 सितंबर को एसीबी कार्यालय कोटा में शिकायत दर्ज कराई, जिसका 6 सितंबर को सत्यापन करवाया गया, जिसमें तरुण गुर्जर द्वारा परिवादी से 30,000 की मांग की गई। परिवादी द्वारा 25,000 देने के लिए कहा तो अंत में 27,000 लेने पर सहमति बनी। सत्यापन होने के बाद में बुधवार को ट्रैक का आयोजन किया गया। आरोपी तरुण गुर्जर ने अपने ही कार्यालय जयपुर में परिवादी से 20,000 की रिश्वत ली और टेबल के नीचे रखी फाइल के बस्ते में रख दी। इशारा मिलते ही एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई को निरीक्षक नरेश चौहान व अजीत बगड़ोलिया के नेतृत्व में अंजाम दिया गया।